الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لنا من دونه من ولي ولا نصير. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد،

अम सल्ला तसल मेरे मोहतरम भाई और बहनों अल्लाह ताला ने आपको एक मुबारक सफ़र के लिए क़बूल फरमाया है हज़ आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ है इबादात में कोई और अकल नहीं जैसे अल्लाह ने कहा है वैसे करना है नमाज़ अपनी अक़ल से हम मालूम नहीं कर सकते रोज़ा है हज है इबादत में जैसे आसमान वाले ने बताया और जैसे जनाब रसूल अलैहि वसल्लम ने करके दिखलाया बस हमने वो करना है बाकी चीज़ों में मामलात हैं ज़िंदगी की बाकी ज़रूरियात हैं उसमें ज़माने के लिहाज से सोच विचार भी है तब्दीली भी है इश्तहाद भी है इन इबादत उसे कहते हैं जिसमें बस जो अल्लाह ने कहा जो उसके नबी ने फ़रमाया करके दिखाया वैसे करना है आदम इस्लाम से इबादत का सिलसिला शुरू हुआ है नमाज भी थी रोज़ा भी था हज भी है ज़कवा़त भी है तो अल्लाह ताला ने हज को फ़र्ज़ करार दिया लेकिन इसका फ़र्ज़ होना जैसे बयान किया है वो सबसे जुदा है नमाज को फ़र्ज़ करार दिया इन अकानत तमिन किताब मकूथा ईमान वालों पर नमाज फ़र्ज़ हो गई इसमें कहीं अल्लाह का नाम नहीं आया फ़र्ज़ अल्लाई ने किया है अकीमसला वतुलज़क़ा नमाज कायम करो फ़र्ज है जक़ात अदा करो माल वालों पर ज़क़़त फ़र्ज है खुतब आलिक मसियाम तुम पर रोज़ा फ़र्ज है नमाज को फ़र्ज किया इन न सलत कानत आलमिन किताब मौकू इस आयत में अल्लाह का नाम नहीं कुतुब आलि को मस्याम रोजे तुम पर फर्ज किए गए करने वाला अल्लाह है नमाज तुम पर फर्ज हुई अल्लाह ने की आतु जक़ा दो अल्लाह ने हुक्म दिया लेकिन जब अल्लाह ने हज को फर्ज किया तो सबसे अलग इबारत इस्तेमाल फरमाई वलिल्ला है एक तो वलिल्ला है सबसे पहले नाम ही अपना शुरू किया वल्ल कु आलकुमस्स्याम वल्ल सलाता वल्ल है सला और वल्ल आतुल्ज़क़ा वल्ल है मैंने तकबल करके आपको बताया ताकि आपके सामने हो के दोनों में फ़र्क है बहुत बड़ा एक फरीजा पर अल्लाह ताला लागू करने वाला है और नाम ही अपना शुरू किया वलिल्ला पहला नाम ही अल्लाह का है कि ये सब कुछ किस लिए है कहा भाई अल्लाह के लिए है एक मत दूसरा मतलब क्या है वलिल्ला है। आप सबसे पूछेंगे आप भी बताएंगे हज करने जा रहे हैं हज करने जा रहे लेकिन अल्लाह के लफ्ज़ से शुरू होने में एक इशारा है कि आप लोगों से यूँ कहो हम अल्लाह की मुलाकात के लिए जा रहे हैं अल्लाह ने बुलाया है तो हम मुलाकात के लिए वलिल्ला ही, के लिए जा रहे हैं दो तीसरा हज मशक्कत का सफ़र है चाहे आपको ये कितनी सहूलतें दें हज मशक्कत का सफ़र तो वल्ला है वाले में तीसरा मतलब ये कि मेरे बंदे बंदी जब मशक्क़त आए ना मोहब्बत का रास्ता यूं ही तय होता है ये मशक्कतों से तय होता है तो यूं समझना ये अल्लाह की मुलाकात की मशक्कत है और क्या चाहिए ज़रूरतमंद किसी बड़े अफसाब से मिलने के लिए घंटों दरवाज़े पर बैठे रहते हैं कोई शक्वा नहीं करता आज मुलाकात नहीं होगी अच्छा जी कल आ जाऊँगा कल द टाइम दे दो कल वेगा जी साहब जी मीटिंग है चेंजी तुझे परसों आ आज ये बड़े ताजर इनको रोज़ के तजरबे हैं इनके काम जहाँ फंसते हैं वहाँ ये घंटों बैठे रहते तो हज में भी रुकावटें आती हैं आ, वैसे तो हज अपनी ज़ात में ही मुश्किल अमल है मशक्कत वाला है और अब रश की वजह से और मशक्क़त बढ़ जाती वो जो चंद दिन हैं हज के बाकी तो अब सहूलत अल्लाह का अब मदीने में भी आप अच्छी रिश होगी आपकी मक्का में भी हज के पाँच दिन मशक्क़त से भरपूर होते हैं तो वल है कि मेरे बंदे बंदी पर अपने ग्रुप वालों को गालियाँ ना देना बल्कि मेरे उस वहाँ बैठ के दुआएं मांगना कि अल्लाह तेरी मुलाकात को आए थे ये मशक्क़त है अपनी दुआएं मांगना शुरू कर देना कि वो घड़ी कबूलियत की होती कि तुम अल्लाह के लिए मशक्क़त उठा रहे हो अल्लाह की तुम पर मुतवजह थी वल्लासी हजुलबी थी सबीला वनक अजब तरीके से अल्लाह ने हज को फर्ज किया है वल्ला कहा जा रहे हो अल्लाह की मुलाकात हज किस लिए है अल्लाह के लिए है मशक्क़त किस लिए है अल्लाह के लिए है तो अपनी नाम से शुरू करके इस अमल की अजमत को वर्षों तक पहुँचा दिया। फिर आगे का अलन्नास। नहीं कहा अलन्नास अलमोमिन ने ही कहा हालांकि अललमोमिन है और अललमोमिन में भी सिर्फ मालदार हैं और मालदारों में भी सिर्फ सेहतमंद हैं ना बीमार मतलूब हैं ना गरीब मतलूब हैं और मालदार हो के भी अगर तकलीफ़ आ गई है तो वो भी मतलूब नहीं है लेकिन अल्लाह ताला ने तयम वाहलमोमिन अल्ल्मुमिन। की बजाय वल लान्नास इस अलन्नास से सारे लोग मुराद नहीं ईमान वाले मुराद हैं ईमान वालों में जो माली ताकत रखते हैं वो मुराद हैं और जो सेहतमंद हैं जाने की ताकत रखते हैं वो मुराद हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने वलिल्लाह से उसको इतना खूबसूरत करके पेश किया है कि गोया पूरी दुनिया के इंसानों के अंदर तलब पैदा हो गई कि यार अल्लाह से मिलें अल्लाह से मुलाकात करें खिताब सिर्फ़ ईमान वालों के लिए लफ़ ए वलन्नास वल्ला अलन्नास सारी दुनिया के ईमान वालों आ जाओ बीमार हो सेहतमंद हो आ जाओ ए पूरी दुनिया के काफ्रो तुम भी कलमा पढ़ लो आ जाओ अपने रब की मुलाकात करो इतना खूबसूरत करके इसको पेश किया हजुलबैत ये मेरे घर का हज करना हज इरादे को कहते अल्लाह के घर जाने का नाम हज का हज़ा का लफ्ज़ है इरादा करना इरादा करना लफ्ज़ का मतलब इरादा करना फिर इस लफ्ज़ को खास कर दिया अल्लाह के घर जाने का इरादा करना तो वो उसको हज कर दिया तो ये इतनी ख़ूबसूरत चीज़ है कि अल्लाह ने पूरी एक तो आयत को बहुत ख़ूबसूरत तरीके से शुरू किया फिर पूरी दुनिया को मुखातब किया कि आ जाओ ईमान वाले आ जाओ मर्द औरत बूढ़े जवान भी आ जाओ गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के आ जाओ हजुलबैत इब्तदा इस तरह की है और इंतहा में फिर अल्लाह ताला ने ततना कर दिया ठीक है भाई सारे नहीं कह रहा हूँ सारे नहीं कह रहा हूँ मन सबीला जो आ सकता है सह ईमान वाला ये शर्त है और आने की ताकत है सेहत भी है पैसा भी है वो ज़रूर आए और मेरे घर का दीदार करे मुझसे मुलाकात करे आयत के शुरू इतना खूबसूरत है और इतनी अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तरफ से इतना मुतालबा किया गया है कि ये शक पड़ सकता था कि शायद अल्लाह न साड़ पड़ेगी ये शक पड़ सकता था कि शायद अल्लाह को जरूरत पड़ेगी भाई घर वे लौ गए कोई आवे तो आगे अल्लाह ने कहा वमन का फारा फ़ैन यहाँ का फरसम कुफर नहीं है फर जो ना आए जो ना आए यानी तो पैसा भी है सेहत भी है सफ़र भी आसान है फिर भी नहीं आता है तो तुम्हारे रब को सिर्फ तुम्हारी नहीं से किसी की भी कोई परवाह नहीं है इस आयत से पिछले मज़मून को साफ किया कि मैं तुम्हें मोहब्बत की वजह से बुला रहा हूँ कोई ज़रूरत की वजह से नहीं बुला रहा मेरी मोहब्बत है आओ मेरे घर आओ और इब्राहिम इस्लाम जैसी हस्ती को मेज़बान करके खड़ा किया हुए आयत मुझे हमेशा हैरान कर देती है कि कहा फिन्ना से बिल हज इब्राहिम ऐलान कर ऐलान कर लोगों को कह के आए पैर तू करी वाला कुल्ल ग या तीन कुल्ल फन आमीक क्यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने इब्राहिम आसलाम को हज करने वालों का मेज़बान बना दिया है कि तू मेज़बान हो या तू का या तू का तेरे पास आएंगे तुम मेरी तरफ़ से मेज़बान जैसे सदर को मिलने जाओ तो उस जाते मुलाकात नहीं होती पहले उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात होती है फिर वो आपको बिठाता है फिर वो अरेंज करता है फिर आपको लेके जाता है तो अल्लाह ताला ने जद्दुल अम्बिया चार हज़ार नबियों के बाप चार हज़ार नबियों के बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा तू तो ऐलान कर कि लोग मेरे घर आए ये अथूक तू मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन के उनका इस्तेकबाल करेगा और ताहरा बैत अलिताफीन वल आकफीन वर्रुक़ सुजूद और तू और तेरा बेटा इस्माइल दोनों मिल कर मेरे मुआज़ मेहमान आ रहे हैं मेरे घर को साफ़ करना आम लोग तो रोज़ ही मिलने जुलने आते रहते हैं तो हम कोई ख़ास ख्याल नहीं करते जब कोई ख़ास मेहमान आने वाला होता है तो सारे घर की सफाई हो रही होती है हर चीज़ की झाड़ फूँक हो रही होती है कि भाई आ रहे हैं जनाब आ रहे हैं जब कोई ख़ास मेहमान आने वाला होता है तो डेकोरेशन की जाती है जैसे आप लोग आ रहे थे तो उन्होंने आपके लिए होटल वालों ने डेकोरेशन की है तो मेरा अल्लाह कह रहा है कि इब्राहिम इस्माइल मेरे बड़े ख़ास मेहमान आ रहे हैं जो अल्लाह के घर जा रहा है अल्लाह का ख़ास मेहमान है मेरे बड़े ख़ास मेहमान आ रहे हैं तुम दोनों बाप बेटा इसमाइल मोहम्मद मुसफ़ा वसल्लम के दादा और इब्राहिम उधर भी दादा और इधर चार हज़ार नबियों के दादा दो बाप बेटे अजीम तरीन नबियों रसूलों को अल्लाह ने कहा मेरे मेहमान आ रहे हैं घर साफ करो घर साफ करो वल्ल अल्लाह से हजुलबा तनस्त सबीला बहुत खूबसूरत आयत है हज को फ़र्ज करने के लिए और बहुत खूबसूरत आयतः हज की थकावट का इलाज ये आयत जहन में होगी तो आप लोग ये टूर वालों को गालियाँ नहीं दोगे अल्लाह से बातें करोगे जब अल्लाह की नस्बत पर आदमी थकता है तो मोहब्बत बढ़ती है दुआ की ताकत बढ़ती है और अल्लाह की मार्फत बढ़ती है और अल्लाह की तरफ से मोहब्बत पैदा होती है वैसे भी हज अपनी असल में अल्लाह की मुलाकात का नाम है ये थोड़ी सी तरतीब है लाइल ला मोहम्मद और रसूल इसको कल मार्फत कहते हैं पहचान कि मेरी सुखेरा साहब की मुलाकात हुई पहचान हो गई पहचान से एक मुनस्बत पैदा होती ये पहचान आगे तल्लु में तब्दील हो उसके लिए दूसरा अमल है नमाज कि नमाज सिलतुन अल अब्द वब नमाज बंदे और रब के दरमियान जोड़ पैदा करती है और उस तारुफ को तल्लक में तब्दील कर देती ताल्लुक़ से अगला दर्जा है मोहब्बत तो माल का ख़र्च करना जहाँ माल लगता है वहाँ मोहब्बत पैदा हो जाती एक साबिन अर्स की या रसोल्ला मौत से डर लगता है का पैसे हैं का जी हैं का खर्च कर दे कि जहाँ आदमी माल लगाता है वहाँ दिल भी लग जाता वहाँ दिल भी लग जाता तो जकवात क्या करती है वो उस नमाज़ वाले ताल्लुक़ को मोहब्बत में बदलती हैं मोहब्बत से अगला दर्जा इश्क मोहब्बत तकसीम हो जाती है इश्क तकसीम नहीं होता मोहब्बत बच्चे से भी है बीवी से भी है माँ से भी है बाप से भी है भाइयों से भी है दोस्तों से भी है लेकिन इश्क होता है जब ऐसा किसी एक से ताल्लुक फिर सबसे काट के रख दे उसको इश्क कहते ये जो आकाश बेल नहीं होती पीली सी बेल जो दरख्तों पे चढ़ जाती उसको अरबी में अशका कहते हैं अशका अशका इश्क से अश्का अशका क्या, क्या, क्या मतलब है कि दरख्त तो उस पर आशिक होता है और हर शह उसी को खिलाता रहता है खिलाते 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 खुद हरा भरा था लेकिन सूख के ईंधन बन जाता है पर अपनी इश्क से बाज नहीं आता जान की बाजी हार जाता है इश्क से बाज़ नहीं आता इसलिए उस बेल को अरबी में अश्क कहते हैं तो मकाम इश्क होता है कि जब आदमी एक चीज़ में फना हो जाए तो रोज़ा भूख और प्यास उस मोहब्बत को इश्क में बदलता है फिर इश्क वशाल के बग़ैर उसकी आग ठंडी नहीं होती दीदार और विसाल के बग़ैर आतिश इश्क सर्द नहीं होती तो फिर उसके साथ हज को जोड़ा गया कि अब आशिक बन के आओ और अपने रब के दीदार को आओ लिहाजा आशिक बन के आना है तो फिर आशिकाना लिबास पहन कर आओ और पगड़ी उतारो टोपी उतारो कुर्ता उतारो बड़े कीमती कपड़े उतारो आप सिर्फ़ दो चादरें पहन के आओ और दीवाना बन के आओ आशिक होते ही दीवाने हैं तो दीवाना बन के आओ जैसे दीवाने आते हैं ऐसे तुम भी बन बनकर आओ बन बनकर ना आओ बल्कि मजनू बन कर आओ सारी मस्जिदों में कहा आहिस्ा बात करो अल्लाह से ज़ोर से मत बोलो उदरब तदर्रम व खुफिया आहिस्त आहिस्त अल्लाह से बातें करो लेकिन जब अल्लाह के घर के करीब पहुंचो तो चीख लब्बैक लुम अल्बीक चीख चीख पुकार के अल्जो व फ्ज मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन हज क्या है जोर से लबैक कहना और खून बहाना कुर्बानी कुर्बानी करना तो सारा दीवानों वाला नक्शा कायम करवाया सारा दीवानों कभी खुशबू नहीं लगा सकते बीवी से कोई मोहब्बत का बोल नहीं बोल सकते कंघी नहीं कर सकते नहाते हुए साबन नहीं लगा सकते नौखन नहीं काट सकते सर के बाल नहीं काट सकते सर में जुएं पड़ जाएँ जुएँ नहीं मार सकते हमें तो अब मसला नहीं है ना कि हम तो चार घंटे में पहुँच जाते हैं वो जो आराम बांध के चलते थे दो दो हफ्ते में पहुँचते थे तो उनके सर में उनके लंबे लंबे बाल रखे जाते थे उस जमाने में जुएं पड़ जाती हैं क जुओं को नहीं मार सकते खटमल चढ़ जाए नहीं मार सकते किस लिए कि बस दीवान बनकर आओ और तो चीखते चिल्लाते अल्लाहुम्मा लब्भ लब्क का मतलब ये है कि अल्लाह सारी ज़िंदगी बगावत की आज सुलह करने आया हूँ यह है लब्ब का मतलब कि पहले अपनी मान के चलता था अब तेरी मानने आया हूँ सारी ज़िंदगी अपने नफ्स की ग़ुलामी की शैतान की गुलामी की लब्ईक अल्ला लब्बिक मैं हाज़िर हो गया हूँ मैं हाज़िर हो गया हूँ अब तेरी मेरी सुलह है मेरे पिछले माफ़ कर इसलिए मेरे नबी ने कहा कि आदमी जब हज करता है तो फिर वो यूँ निकलता है बाहर जैसे माँ के पेड़ से आज निकलो हज की रियायत करते हो जो हज कर लेता है तो सफ़र मुबारक है थोड़ी मशक्क़त का सफ़र है अल्लाह के इस फ़रमान को मेरी इस बात को याद रख वाल आल्ला से हजुलबै मनस्बीला अल्लाह की मुलाकात है अल्लाह बुरा रही अब इसके साथ चंद एक बातें हैं वजाहत करने की हमारे माहौल में एक बात चलती है कि हर साल हज करते हैं पैसा जाय करते हैं ये पैसा ग़रीबों को दे दें किसी की शादी करा दें अल्लाह के नबी ने तो एक ही हज किया था इस, इस हद तक तो ये बात ठीक है अल्लाह के नबी ने एक ही हज किया था लेकिन क्या हर साल हज करना नापसंदीदा चीज़ है अल्लाह के घर जाना नापसंदीदा चीज़ है तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैलान नबूवत से पहले हर साल हज फरमाया चूँकि मक्के का कोई इंसान ऐसा नहीं था जो हज ना करता हो और ख़ास तौर पर कुरैश, कुरैशी हो मक्के में हो ये नामुमकिन था कि वह हज ना करे हाँ कहीं सफ़र में गया हुआ तो अलग बात है तो अलान नबूवत से पहले कोई साल खाली नहीं जिसमें आपने हज ना किया हो और एलान नबूत के बाद कोई साल खाली नहीं जिसमें आपने हज ना हो अगर ये हज वो शरीयत वाला हज नहीं है लेकिन सुन्नत इब्राहिमी में जो हज चला आ रहा था उसमें बहुत सी खुराफात थी हमारे नबी व खुराफात से पाक थे आपने हर साल हज फरमाया हर साल खुद एक हज इसलिए किया कि आठ हजरी में मक्का फतह हुआ आठ में जाकर हज फर्ज हुआ है आठ हजर में मक्का फतह हुआ आपने हज नहीं फरमाया क्योंकि हज हज की तारीख में नहीं आ रहा था दूसरी तारीखों में आ रहा था अरब जो थे वो दस दिन बढ़ा देते थे साल में जिसकी वजह से पूरा कैलेंडर चाँद का गड़बड़ हो जाता था तो और तैतीस साल के बाद जाकर तारीख़ें खुद अपने असल टाइम पर आती थी तो जब आपने आठ हिजरी में मक्का फतह फरमाया तो हज नौ की बजाय उनतीस को आ रहा था तो आपने हज नहीं फरमाया फिर नौ हिजरी तो, में आप इस्लामी हुकूमत पूरी तरह कायम हो चुकी है तो आपने तीन सौ आदमियों का काफिला देकर सिद्दी के अकबर को अपना नायब बनाकर हज के लिए भेजा खुद हज नहीं फरमाया क्योंकि हज उन्नीस को आ रहा था और मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी पर कि किस तरह आपने तदरीजन उस चीज को मोड़ा इबादत तक पे सबर फरमाया इबादत में भी जल्दबाजी नहीं जो फर्ज है तदरीज और तरबीयत इसके बगैर जो भी कदम उठाया जाएगा चाहे दुनिया का चाहे दीन का वो काम हो जाएगा तदरीज और तरबीयत इन दो के बगैर कोई भी कदम दीन का उठाएं या दुनिया का उठाएं नाकाम हो जाएगा ताकत हाथ में आ चुकी थी मक्का फतह हो चुका है अरब मुसलमान हो चुका है अगर आप नाफि कर देते कि बस ये हज गलत है शरीयत कायम हो चुकी है हज अपनी असल तारीख में होगा नहीं किया कि शायद शायद कहीं अरब भी ना जाए शायद शायद का सवाल था दो साल हज गलत तारीखों में हुआ खामोश तीसरे साल हज ऑटोमेटिकली नौ तारीख को आ रहा था गलत तारीखें सही होते, होते 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 दस हिजरी में हज अपनी असल जगह पर आ गया तो आपने हज का ऐलान फरमाया और उसके बाद आपने खुतबे में ऐलान कर दिया कि अब जो दस दिन बढ़ाए जाते थे वो ख़त्म है इन न मन नसी ज़्यादा तो आपको मौका ही एक मिला हज करने का उगर सिद्दीक रज़ील्ला पहला साल जंगों में गुजरा अगला साल हज के लिए काफ़िला लेकर गए उमर रजिला का ज़माना अमन का ज़माना था दस साल खलीफा रहे दस साल हज किया कोई नागा नहीं किया उस्मान कि पहले ग्यारह बरस अमन था ग्यारह साल आप खुद हज का काफिला लेकर गए बारहवें साल आप शहीद हुए उसमें आपको रोक लिया गया नहीं किया अली रज़ी तौ खलीफा बनने से पहले बहुत कसरत से हज फरमाए कितने किए किसी किताब में गुजरा नहीं खिलाफत आई तो जंगों का ज़माना आ गया और आपकी ज़िंदगी इंतहाई दुख दर्द भरी दास्तान है अपनों से भी बेवफाइयाँ देखी गैरों से भी तो वह हज करने का मौका नहीं मिला हसन रज़ी ने मदीना से मक्का बीस हज पैदल किया बीस सहज पैदल की क्या मुझे शर्म आती है मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हूँ और मैं कभी एक दफ़ा भी उसके घर पैदल ना गया हूँ क्या मुझे इस बात से शर्म आती है तो बी सहज पैदल किए तो कोई अगर किसी को अल्लाह तोफीक देता है और वो जाता है तो उस पर ये एतराज़ नहीं करना चाहिए कि ये तो पैसा ज़ाय हो रहा है ये तो एम ही जा रहे हैं सदर पाकिस्तान आपको हर महीने बुलाए जाओगे कि नहीं जाओगे नाल फोटो छिपा के आओगे देखो मेरा हाथ लग हुआ है सदर साहब देना उस अपने ड्राइंग रूम में सजाओगे अगर अल्लाह ताला किसी को हर साल बुलाता है तो उसके लिए शादत की बात है एतराज की चीज़ नहीं है कि इससे ये कर दो इससे वो करो हज पर खर्च कितना था दो चार लाख पाँच लाख छः लाख इससे कितने को मनसूबे कायम हो सकते हैं और फिर जो यहाँ खर्च कर रहा है वो अल्लाह के फजल से यकीन और जगह भी खर्च करता होगा ये नहीं कोई किसी और जगह खर्च नहीं करता वो उसने कोई इश्तेहार तो नहीं देना कि देखो भाई मैं ये खर्च कर रहा हूँ तो ये हमारे मुल्क में थोड़ा सा इस बारे में आ, बाज हलकों में एक नादानी पाई जाती है कि हज जैसे अजीम अमल को अल्लाह के नबी ने कोई नहीं किया ये जाना है पैसा ज़ाय करना है ऐसा नहीं कहना चाहिए अल्लाह जितनी दफ़ा ले उम्र पर बैन अल हज वम्रा एक हदीस भी याद आ गई आप हमें हज और उम्र आगे पीछे करो हज और उम्र आगे पीछे करो क्या होगा जी यफ़ीान्फ़्र वन नफाक ये दो चीज़ें तुमसे दूर कर देंगे एक तुम्हारी मुनाफ़त ख़त्म कर देंगे एक तुम्हारे फ़खर को ख़त्म कर देंगे तुम्हारे नफाक़ को ख़त्म कर देंगे लेकिन के ने फ़रमाया कि जिसको अल्लाह ने रिस्क दिया कुशादगी दी और पाँच साल तक वो अल्लाह के घर ना गया तो उसने अल्लाह तला से बेवफाई की असबाब भी हैं ताकत भी है जा भी सकता है फिर नहीं जा रहा है तो उसने अल्लाह तला के साथ बेवफाई की है तो ये अल्लाह की तोफ़ी है जिसको अल्लाह बुलाए तो उससे ज़रूर जाना चाहिए और फिर अपने ग़रीबों पर भी ख़र्च करे नादारों पर भी ख़र्च करे सब पर ख़र्च करे लेकिन इसको उसके साथ जोड़ बिठाना ये बहुत नादानी की बात है अल्लाह के घर की हाजरी नबियों की तमन्ना हर नबी ने अल्लाह के घर का दीदार किया आदम अलैहिस्सलाम ने सैकड़ों हज किए बैतल्ला हिंदुस्तान से चलते थे और बैतुल्ला तक पैदल जाते थे और जाकर अपने हज फरमाए यहाँ तक कि वहीं उनका इंतक़ाल हुआ वहीं कहीं उनकी कब्र है हरम की हदूद के अंदर ही कहीं कब्र है अम्मा की भी वहीं और आदम अलैहिस्सलाम की भी वहीं कब्र है बाज अकवाल के मुताबिक तो जिस को अल्लाह ले जाए वो उसे अपनी सादत समझे इसे अपनी खुशबी समझे फिर हज को इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए कि जो हज करके हम दिन कर तो छुरियाँ और वडियाँ कर दिन, तो बाकियों के हाथ में कौन सा छोटी छुरी सारे बाज़ार में बड़े कापे ले के लोग बैठे जिसने हज किया इसमें कोई शक नहीं कि हज करने वाला हज ना करने वाला जब दुकान पर होते हैं तो दोनों के पास दोरी तार का खंजर होता है से डरता है और अपनी तजारत को अपनी आख़रत का सबब बनाता है वरना मुझे दुख दर्द और गिला है इसमें हज का कोई मसला नहीं इसमें इंसान बिगड़ा हुआ है या तो हज ना करने वाले सारे बहुत बड़े दयानतदार होते तराजू ठीक होते तो फिर को हज को गिला देता लेकिन यहाँ तो हज करने वाला गैर हज करने वाला मेरा सारा बाजार ही झूठ पे चला गया है बद्यांती पे है इंतहा दर्जे के सितम पर है तो उसमें नमाज को दोष देना या हज को दोष देना देखो जी नमाज़ पढ़ के ये कर रहे हैं दाढ़ी रख के ये कर रहे हैं हज करके ये कर रहे हैं तो अगर कोई आदमी हज नहीं किया हुआ तो उसके लिए भी तो बदी इजाज़त तो नहीं कोई शेव कराता है तो उसके लिए झूठ बोलना जायज़ तो नहीं होगा एक मेरे दोस्त ने शेव करा दी मैंने कहा शेव क्यों कराई कहा जी सारा दिन झूठ बोलना पड़ता था तो मैंने कहा अब तो दो गुना हो गए पहले एक करते थे अब दो हो गए वो लगे बंदे एक से तो माफ़ी मिली हुई थी अब दो इकट्ठे कर ली और झूठ बोलने का ताल्लुक दाढ़ी से थोड़ा ही है भाई दाढ़ी है तो सच बोलो दाढ़ी नहीं तो झूठ बोलो इसका ताल्लुक तो कलमे से है कलमा पढ़ने के बाद झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए एक आदमी कहता है जी दाढ़ी रख के गुना करें तो बड़े शर्म की बात है मैं कहता हूँ कलमा पढ़ के गुनाह करो तो शर्म की बात है गुनाह और सवाब जजा और सजा हलाल और हराम का ताल्लुक पगड़ी से नहीं नमाज से नहीं रोजे से नहीं हज से नहीं दाढ़ी से नहीं कलमे से है कल मैं एक एग्रीमेंट है गये अल्लाह तेरी मान के चलूंगा तेरे नबी के तरीकों पर चलूँगा फिर मैं इंसान हूँ कोई ख़ता वता हो जाए तो माफ़ी मांगूंगा इस्तेफार करूँगा तो किसी की बुराई की वजह से उसकी नेकी को नहीं उछालना चाहिए लॉजी इन हजां का की फ़ायदा इन नमाजा की फ़ायदा मेरा लगहता है हमें आमल माल हजरत खैर अरा हम आमल म़़ाल हजरत शर्रही मेरे बंदो एक राय के बराबर अच्छाई करोगे मैं उसकी जजा दे दूंगा बुराई करोगे मैं उसकी सज़ा दे दूंगा और सजा में कहता है फिर जिसको चाहे माफ़ कर दूँ लेकिन तुम्हारी नेकी इन अल्लाजर महुहसिन तुम्हारी नेकी मैं ज़ाय नहीं करूँगा हाँ बाज़े गुनाह ऐसे हैं जो नेकियाँ उड़ा के ले जाते हैं कोई शक नहीं या एक ऐसा गुना है जो नकियाँ उड़ा के ले जाता है और बहुत से ऐसे गुनाह हैं जो नेकियाँ उड़ा के ले जाते हैं हराम का लुकमा एक ऐसा गुना है जो नकियाँ उड़ा के ले जाता है लेकिन इतना फिर भी ज़रूर होता है कि अमल ना करने की जो पकड़ थी वो नहीं हो एक आदमी एक आदमी ने सारी जिंदगी सूद खाया लेकिन नमाज नहीं छोड़ी तो उसको नमाज ना पढ़ने का अजाब कभी नहीं हो नमाज पर जो कुछ मिलने वाला है वो तो नहीं मिलेगा लेकिन नमाज ना पढ़ने की पकड़ नहीं होगी नहीं होगी हज किया हराम पैसे से किया अल्लाह के नबी ने कहा है। इसका अल्लाह आसमान से कहता लबला वला एक लेकिन हज ना करने का आजाब नहीं होगा हज ना करने का आजाब नहीं होगा हराम पैसे से रोजा कर रखा और इफ्तार किया रोज़े की हाजरी लग गई अजर नहीं मिलेगा हाजरी लग गई नमाज की हाजरी लग गई हज की हाजरी लग गई ये अल्लाह की शान करीमी है और फिर पता नहीं ये कब तोबा कर रहे हो सारा माफ हो जाए और मैं ऐतराज़ कर कर अल्लाह की नज़रों से गिर जाऊँ मेरी बात गौर से सुनना जैसे आदमी जिना करके शराब पी के सूद खा के अल्लाह की नज़रों से गिरता है ऐसे ही लोगों पर ऐतराज़ करके और उन्हें हकीर समझ के आदमी अल्लाह की नज़रों से गिरता है किसी पर एतराज़ किसी की हकारत किसी की बुराई कि ये ये कोई आदमी है ये कोई मर्द है ये कोई इंसान है ये कोई औरत है ये जुमले ना बोला करो भाइयों, तुझे क्यों फ़िक्र है ए गुल दिले सद बुलबुल बुल की तो अपने पैरहन के चौक तो पहले रफू कर ले हमारे उस्ताद साहब फरमाया करते थे जिनसे मैंने तफसीर पढ़ी धुन रे धुन ये अपनी धुन पराई धुनी का पाप नपुन तेरी रोई में चार बिनोले सबसे पहले उनको चुन धुन रे धुनी अपनी धुन ओ पुरानी उर्दू है बहरहाल मतलूब इसका यह है कि तेरे अपने अंदर चार बड़े बड़े ऐब हैं तो उन्हें ढूंढता रहे साफ करता रहे तू औरों के ऐब ना देखा कर तो औरों की कमियां ना देखा कर तो अगर अपने ऐब देखेगा तो तुम्हें वक्त ही नहीं फुर्सत ही नहीं है किसी और के ऐब देखने की तेरे अंदर चार बड़ी बुराइयाँ हसद है किब्र है बुगज है रिया है उजब है ये तेरे अंदर चार बड़ी चीज़ें हैं इनको साफ़ करता रहे तो तुझे औरों के ऐब देखने की फुर्सत ही कोई नहीं तो भाइयों किसी के गुनाह की वजह से उसकी नेकी को दोष नहीं देना चाहिए पता नहीं उसकी नेकी अल्लाह ताला कबूल फरमा कर उसका गुनाह माफ़ कर दे या किसी वक्त वो तो तौबा करे उसका गुनाह माफ़ हो जाए और वो जन्नत में चले जाए मैं पकड़ा जाऊँ मैं तू ठेकेदार था औरों की बुराइयाँ पकड़ने का तो औरों पर तनकीद करना औरों को हकीर समझना इससे इसी तरह तोबा की ज़रूरत है जैसे सूत से तोबा की ज़रूरत है जुए से तोबा की ज़रूरत है झूठ से तोबा की ज़रूरत ऐसे इससे भी तोबा की ज़रूरत हमारे नबी पाक का मैं थोड़ा सा आपको मुख्तर खाका हज का बता देता हूँ जनाब रसूल सल्लाम ने हज का जब ऐलान फरमाया ये दस हिजरी तो अतराफ़ से कबाइल जमा हुए कोई बारह हज़ार का मजमा इकट्ठा हो गया मदीना में पच्चीस तारीख़ को बरोज़ हफ़्ता आपने नमाज जहर से पहले गसल फरमा के दो चादरें एहराम की नीयत के बगैर दो चादरें बांध कुर्ता भी उतार दिया तहमद भी उतार दिया सहारा एक बस्ती है जो आज कल मस्कत में आती वहाँ से एक कपड़ा आता था, था उसकी आपने दो चादरें ली फिर आपने जहर की नमाज के बाद अपने पूरे काफ़िले को लिया जोफा जिस को आजकल अबियाारली कहते हैं यहाँ आपने आकर क्याम फरमाया और असर मगरब इशा और फजर और जहर पाँच नवाज़ें आपने यहाँ अदा फरमाईं और ये जबरील के कहने पर अल्लाह के कहने पर आप गुजर रहे थे कि जबरील है कि या रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं ये पाक वादी है यहाँ आप क्याम फरमाएँ यहाँ हजरत हज़रतम बिन तो मैस रज़ी तु के हाँ बेटा पैदा हुआ ओ बकर के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर ये पैदा हुए एक रात के क्याम के बाद सुबह आपने फजर की नमाज के बाद गसल फरमाया खुशबू लगाई अपने बालों को तेल लगाया फिर शहद लगाया शहद गूंद का काम देता है अब आप सर जाना था तो बाल बड़े थे आपके शानों तक आए हुए थे तो आपने उनको शहद लगा के ना वो कर दिया जोड़ दिया आपस में जोड़ दिया और आयशा रजी अल्लाह ताल ने आपको खुशबू लगाई जिसम पे खुशबू लगा सकते हैं अहराम से पहले अहराम के कपड़े को नहीं जिसम पे खुशबू लगा सकते हैं अहराम की नीयत करने से पहले बालों में मांग में आपने खुशबू लगाई फिर उसके बाद आपने जोहर की नमाज अदा फ़रमाई और आप ऊँटनी पे सवार हुए और किबला रुख होकर आपने कहा लब्ब्ब्ब्ब्बई का अल्लाहुम्मा अल्लाब्ब आपने हज का अहराम बांधा तो जबरी फरमा रहे हैं उम्र को शामिल फरमाए उ और हज किरान हज की तीन किस्में एक हज अफरा कि एक आदमी पहले दिन हज ही का अहराम बांधता है एक हज किरान के एक आदमी पहले दिन उम्र और हज का इकट्ठा एहराम बांधता है एक हज तमत्तो के एक आदमी उम्र का आराम पहले बांधता है और उम्र करके फारग हो जाता है अहराम उतार देता है फिर हज से पहले बांधता है हज का यह हज तमत्तो है हमारे नबी ने शुरू किया अफराद से तो इस पर इमाम मालिक का कौल ये कि हज अफराद अफजल है फिर अल्लाह के हुक्म से किया हज किरान तो इमाम अबू हनीफ़ा रहा का कौल है कि हज किरान सबसे अफजल है मक्के पहुँच कर आपने फरमाया कि मुझे ख्याल ना रहा अगर मुझे पहले ख्याल आता तो मैं किरान ना करता मैं तमत्तो करता अल्लाह की मंशा थी कि हज और उम्र इकट्ठा हो किरान ज़रूरी नहीं था हज और उम्र इकट्ठा था एक बिदत का इजाला था अरब हज के महीने में उम्रा करना बुरा समझते थे उसको दूर करना था तो मक्के पहुँच के फरमाए अगर मुझे पहले ख्याल आ जाता जो आज मैं दे अब अब मैं दे लुबिसकबल तो मिन अमरी मस्तद बर्त तो मैं तमत्तो करता तो इमाम शाफी और इमाम महमद बिन हम्बल इस कौल को लेकर फरमाते हैं कि हज तमत्तो अफजल है इस लिहाज से तीनों ही अफजल हैं और असल अफजल वो है कि हज कैफियत का नाम है जिसकी जितनी अली कैफियत होगी उसका हज अफज़ल होगा वह अफराद है वह तमत्त है वह कर्न है बाकी दो ज़ाहरी अमाल हैं जे कैफियत बना लेगा उसका हज सबसे से अफजल होगा हज की तीन किस्में एक हज अफरा कि एक आदमी पहले दिन हज ही का अहराम बांधता है एक हज किरान के एक आदमी पहले दिन उम्र और हज का इकट्ठा एहराम बांधता है एक हज तमत्तो के एक आदमी उम्र का आराम पहले बांधता है और उम्र करके फारग हो जाता है अहराम उतार देता है फिर हज से पहले एहराम बांधता है हज का ये हज तमत्व है हमारे नबी ने शुरू किया अफराद से तो इस पर इमाम मालिक का कौल ये कि हज अफरा अफजल है फिर अल्लाह के हुक्म से किया हज क्रान तो इमाम बबू हनीफ़ा रमतल का कौल है कि हज क्रान सब से अफजल है मक्के पहुँच कर आपने फ़रमाया कि मुझे ख्याल ना रहा अगर मुझे पहले ख्याल आता तो मैं किरान ना करता मैं तमत्तो करता अल्लाह की मंशा थी कि हज और उम्र इकट्ठा हो किरान ज़रूरी नहीं था हज और उम्र कट्ठा था एक बिदत का इजाला था अरब हज के महीने में उम्र करना बुरा समझते थे उसको दूर करना था तो मक्के पहुँच के फरमाए अगर मुझे पहले ख्याल आ जाता जो आज मैं दे अब अब मैं दे लु इसतबल तो मिन अमरी मस्तद बर्त तो मैं तमत् तो करता तो इमाम शाफ़ी और इमाम महमद बिन हम्बल इस कौल को लेकर फरमाते हैं कि हज तमत्तो अफजल है इस लिहाज से तीनों ही अफजल हैं और असल अफजल वो है कै, हज कैफियत का नाम है जिसकी जितनी आला कैफियत होगी उसका हज अफज़ल होगा वो अफराद है वो तमत्तो है वो क़रान है बाकी तो जहरी आमाल हैं जो कैफियत बना लेगा उसका हज सबसे से अफजल होगा चाहे वो अफराद हो चाहे वो क़रान हो वहाँ से आप चले आपके साथ कोई बारह हज़ार का मजमा था और आप मलल में आपने क्या फरमाया मलल से निकले और अवह में पहुँच रोहा में कुआं है वहाँ मैं गया हूँ वहाँ का पानी भी पिया है वहाँ सत्तर नबियों ने क्याम किया है हज के दौरान हज पर जाते और आते हुए वहाँ उस खैम वहाँ आपने भी क्याम फरमाया रात भी ठहरे और उस अब उन्होंने वो एक मोटर लगा दी जिससे पानी बाहर निकल आता है सऊदी गवर्नमेंट ने रोहा से चल कर आप आफाया पहुँच आफाया से अर्ज पहुँचे अर्ज से अबवा पहुँच अबवा पहुँचे तो सामने बस्ती थी जहाँ आपके सारे इंतज़ाम किए गए थे रिहाइश के और ये काफ़िला बारह हज़ार का अब साठ सत्तर हज़ार का हो चुका था तो अबवा में आपकी वालदा की कब्र है हज़रत आमना रज़ी अल्लाह कब्र मुबारक है तो आप सड़क से यूँ हट गए अंदर पहाड़ों में चले गए तो अक्सर मजमा तो नया था उन्हें नहीं समझ में आया कि अल्लाह के नबी अंदर कहाँ जा रहे हैं चंदे को पता था कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप चलते 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 एक जगह आपने ऊंटनी को बैठाया कोई वो सत्तर अस्सी फुट ऊँचा पहाड़ है सन दो हज़ार में अल्लाह ने मुझे भी मौका दिया मैंने कबर की ज्यारत की तो वहाँ से आप ऊपर चढ़े ये अप्रैल का महीना था और माँ की कबर के सराने तशीफ लाए और यूँ आपने घुटने उठाए और हाथ यहां रखे और सर यहां दिया ये यह पोजीशन बनाई जैसे छोटे बच्चे बना थे और फिर जू सरहाने बैठ के रोना शुरू किया घंटों गुजर गए उठने का नाम नहीं लिया सदमा तो चंद दिनों बाद भूल जाता मैं अब अपनी माँ के याद में रोना भी चाहूं तो रोना नहीं आता अपने बाप की याद में रोना भी चाहूँ तो रोना नहीं आता और मेरे नबी को सत्तावन बरस गुज़र चुके थे माँ के गए हुए छः बरस की उम्र थी जब आप यहाँ से गुजर रहे थे वालिद की वफ़ात के बाद हज़रत आमना गई नहीं थी मदीना तो हमारे नबी छः बरस के हुए तो उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त दी कि मैं खामिंद की कब्र पे जाना चाहती तो उन्हें इजाज़त दे दी तो ये माम बेटा एक ख़ादमा उम एमन ये तीन अफराद का काफ़िला मद, मदीने पहुँचा एक महीना आपने वहां काम किया वादी अकीक में वहीं आपने छः बरस की उम्र में तैरना भी सीखा वहां से ये वापस आ रहे हैं अबवा के करीब पहुंचे अबवा बस्ती वहां से दस मील दूर है, मेरे ख्याल के मुताबिक जो मैंने कैलकुलेट किया तो वहां अचानक मौत का वार हुआ है जिसमें मुझे लगता है जैसे हार्ट अटैक हुआ होगा हार्ट अटैक हुआ अचानक मौत का वार हुआ और वो जैसे अल्लाह ने करोड़ों अरबों साल पहली वो जगह तय कर रखी थी वो ऊपर पहाड़ ऐसे सारे पहाड़ तो यूँ हैं लेकिन वो पहाड़ ऊपर जाके ऐसे फ्लैट हैं जैसे चौकोर एक फर्श बना हुआ था वहाँ ये दर्दनाक कहानी का एंड हुआ है और हजत आमना पच्चीस बरस की उम्र थी वो बोला नहीं जा रहा था और बार बार ऐसे पहलू बदल रही थी इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि शायद हार्ट अटैक हुआ, हुआ, हुआ। आखिरी लफ्ज़ बोला कि कुल हई इन व कुल्लू जदीदन बाल वकद वलत तो तोहरा जंगल में छः साल के बच्चे को छोड़ते हुए मरना और छः साल के बच्चे का जंगल में माँ को मरते देखना इस खूबसूरत होटल में आप कैसे जान सकते हैं वो उस जगह का दर्द जो मैंने अपनी आँखों से देखा मैं हज़ारों दफ़ा ये किस्सा सुना चुका हूँ हर दफ़ा मेरा आंसू बेकाबू हो जाता है कि मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ जिंदगी सॉरी सफ़रों में गुजर गई ऐसा सफ़र जिंदगी में कभी नहीं किया ना वो कैफियत नसीब हुई बेतुल्ला के अंदर दो दफ़ा गया हूँ लेकिन जो कैफियत हज सामना की खबर पर थी और जो उस वक्त क्योंकि मैंने थोड़ी तारीख पढ़ी थी तो मैं वो उन धुंधलों को मैं अल्लाह के नबी का तड़पना देख रहा था कैसे आप मामा कह रहे थे और पे चारों तरफ ऐसे काले पहाड़ हैं, खौफत चौदह सौ साल पहले वहां क्या होगा मैं तो सन दो हजार में गया था तो खौफा था किसी गाइड के बगैर आप जा भी नहीं सकते ओहो बेटा हर जिंदा ने मरना है और हर जवानी ने ढलना है मुझे लगता है तेरी माँ का वक्त आ चुका है और मैंने एक बच्चा जना है जो एक दिन सारे आलम को रोशन करेगा सारे आलम को पाक करेगा जैसे माथे को पढ़ लिया हो क्या ये बच्चा आगे क्या है क्या होने वाला है और के लिए शायद पत्थर जोड़ के दफन कर दिया या कोई गुजरे होंगे उनसे मदद ली होगी ये औकदा आज तक हल नहीं हुआ कि किसने वहाँ मदद की उनको वहाँ दफन करने में कोई राह गोरा गुजरे या क्या हुआ अल्लाह ही जाने किताब से कोई मदद नहीं मिली नीचे उतरे तो आप हमारे नबी ने फिर दौड़ लगाई और ऊपर चढ़ के मेरे नबी ने कहा जब तुम पे सदमे आए तो मेरे सदमे याद करना तुम्हें आप तुम्हारे अपने गम बड़े हल्के हो जाए तो आप फिर भाग के ऊपर चढ़े आप इस बच्चे का तस्वर करो जिसने बाप देखा नहीं और मां एक जंगल में मरी हो कोई आसरा सहारा नहीं जब उम एमन ऊपर पहुंची हैं तो एक दर्दनाक मंजर था लेकिन अभी मां की कबर को चिमट कर यूं ऊपर लेटे हुए थे खबर को पत्थरों को ऐसे चिमटे हुए थे उम करीब आई तो आप सुना आप कह रहे थे माँ जी आपको तो खबर थी आपके सिवा मेरा कोई ना था आप मुझे छोड़ के कहा चलेगी ओ होम एमन ने उठाना चाह इनकार कर दी खेच के ल, उत, नीचे लाई खेंच के और मक्के तक का रास्ता ये मासूम रोते रोते गुजरा रोते रोते तो वो सत्तावन साल पुराना दर्द अभी जख्म भरा नहीं आप इस पोजीशन में बैठे और इतना रोए इतना रोए कि सारा रुआं रुआ आपका आंख बन के रो रहा था और सारी दाढ़ी आपकी आंसुओं से तर होगी और आपने आगे जाने से इनकार कर दिया मैं आज रात अपनी मां के पास ठहरूंगा अल्लाह आगे नहीं गए वहीं रात गुजारी हालांकि वहाँ तो मैं देख कर आया वहाँ तो दस आदमियों की जगह नहीं वहां साठ सत्तर हजार आदमी साथ सोने की तो जगह ही कोई लेटने की जगह ही कोई नहीं आपने रात वहीं गुजारी एक दफा इस तमन्ना का आपने यहां नहीं एक और माँ का अगर मेरी मां जिंदा होती तो तुम लोग देखते मैं उसकी कैसी खिदमत करता मैं ईशा की नमाज के मसल्ले पर होता और मैं सूरत फातह शुरू कर चुका था फर्ज नमाज फर्ज नमाज और मस्जिद में बाजमात नमाज और मैं सूरत फातह पढ़ रहा होता और इधर से आवाज़ आती बेटा मोहम्मद तो मैं नमाज तोड़ के कहता माँ जी मैं हाज़िर हूँ माँ जी वो रात आपने वहाँ गुजारी क्या रात थी अब अबा से चले तो आप उस्फान पहुँचे उस्फान थे तो आपने कहा वक्र ये कौन सी जगह है का जी फान कहा मैं देख रहा हूँ हुद और साल सलाम गुजर रहे हैं इस वादी से लब्बैक कहते हुए हज को जा रहे हैं उस्फान से आप मर्रा जहरान पहुँचे फिर वहाँ से आप सर्फ पहुँचे सरफ में हज़रत आशा रजी ना ख़ैमे में रो रही थी आपने फरमाया क्या हुआ ला, ला की नफ़िस थी लगता है तुझे औरतों वाला उज़र पेश आ गया क्या जी हाँ तो कोई नहीं रो नहीं अब तो उम्रा नहीं करोगी बस हज करोगी। फिर वहाँ से आप तनयीम पहुँच, तनयम में आपने एहराम की चादरों को तब्दील फरमाया जो दो चादरें मदीना में ज़ेब तन फरमाई थी तनईम उतार कर तो नहीं चाह उसी कपड़े के फिर मक्का के टॉप से आप एंटर हुए और बीर जी तो के कुएं पर आकर आपने क्या फरमाया ये है इतवार की रात पच्चीस को चले और चार की रात को ये महीना उनतीस का था तो चार की रात को आप मक्के पहुंच के इतवार को सुबह आप गौसल किया खाली पानी बहाया और उम्रा के लिए तो शेफ़ ले गए तो सफा मरवा की तरफ से आप पहुँचे बाबू बनी शैबा के सामने आपने ऊँटनी को बैठाया तो बनु हाशिम ख़ानदान बच खानदान के बच्चे आ गए उन सब को अब मिले कईयों को ऊँटनी पे बिठा लिया कईयों को प्यार किया गले लगाया फिर उन सब से होकर बाबू बनी शैबा ये बाबू बनी अब्द मुनाफ था आपके ख़ानदान का दरवाज़ा था उससे आप इंटर हुए और जब आप फारग हुए तो बाबू बनी मखजूम से आप बाहर निकले आपने जाते ही हजर असवद का बोसा लिया फिर सजदा किया फिर बोसा लिया फिर सजदा किया फिर बोसा लिया फिर सजदा किया फिर आप रोने लगे बहुत रोए उसके बाद आप तब आप शुक्र फरमाए ती, तीसरे या चौथे चक्कर में आपने पानी पी पिया और हज़ुमर से फरमाए को उम्र हजर उसवत के बोसे पे लड़ाई ना करना जगह मिले तो ले लेना झगड़ा ना करना जैसे हमारे नादानी में लोग वहाँ औरतें भी ऐसी हमाकत करती हैं कि एक सुन्नत अमल के लिए फ़र्ज़ छोड़ देती कि मर्द औरत का यूँ आपस में अख्तलात ये इससे बचना फ़र्ज़ है और वो एक सुन्नत के लिए घुस रही और जब लड़ाई झगड़े फसाद करीब भी नहीं जाना चाहिए अल्लाह के नबी ने इस्तेम किया जब रश हो गया तो आपके पास एक लकड़ी थी वो दूर से यूँ लकड़ी को लगा कर और उसका बोसा ले ले पहला आपने बोसा लिया उसके बाद रश हो गया तो फिर आपने हर दफ़ा बोसा एक दफ़ा बोसा लिया उसके बाद आपके पास एक लकड़ी थी उस लकड़ी को आप यूँ यूँ छूते थे हजर उसद को और उसका बोसा ले लेते थे बोसा सिर्फ एकद हाँ फिर जब आपने दो नफल पढ़ लिए और तशरीफ़ ले गए सफ़ा मरवा के लिए तो फिर बैतुलजर सुद का बोसा लिया और आपने जाकर सफ़ा मरवा पे सात चक्कर पूरे किए रिवायत में है कि तीन चक्कर पैदल किए फिर मजमा ज़्यादा हो गया तो चार ऊँटनी पर बैठ करता ताकि लोग देख लें उसके बाद आपने ईरान फरमाया कि भई जिनके पास कुर्बानी का जानवर नहीं है वो अहराम खोल तो सहावन का यारसूल्ला आप खोलें तो आपने फरमाया कि मेरे पास कुरबानी का जानवर है अब बकर के पास उम्र ज़ुबैद तलह यह नहीं खोलेंगे जो कि इनके पास भी क़ुरबानी का जानवर है बाकी जिनके पास नहीं खोल तो तो सब ने खोल दिया और हज अफराद भी तमत्तो बन गया हज किरान भी तमत्तो बन गया अब नहीं हो सकता अब जो नियत करेंगे वही करनी पड़ेगी लेकिन अल्लाह के नबी का खास हुक्म था तो सब का हज हज तमत्तो बन गया इतवार पीर मंगल बुध चार दिन आप वां ठहरे इन चार दिनों में आप बैतुल्ला तशरीफ़ नहीं लाए तवाफ़ भी नहीं किया किझे नहीं किया कि मेरे आने से लोगों को तकलीफ़ होगी रश बढ़ेगा तो न, लोगों को तकलीफ़ से बचाने के लिए नफल इबादत छोड़ना मेरे नबी का तरीक़ा हम नफल पढ़ने के लिए लोगों की जई तई फेर के रख देते एक किसी बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कभी आपकी तहजद कज़ा हुई कहने की ज़िंदगी में एक दफ़ा हुई कब वो कैसे होगी कब मैं एक जगह मेहमान था तो तहजद में उठा तो दरवाजे के पास एक आदमी सोया हुआ था तो दरवाजे तक जाने के लिए उसे क्रॉस उसके ऊपर से गुजरे बगैर रास्ता कोई नहीं था तो मुझे ख़तरा हुआ मैं इसके ऊपर से गुज़रा तो उसकी आँख खुल जाएगी तो मैं वापस आके लेट गया बस जिंदगी में एक दफ़ा मेरी तजुद कज़ा हुई है तो हम लोग नवाफिल के लिए लोगों को अजियत में डाल देते और मेरे नबी ने तवाफ़ जैसा अमल तवाफ़ के हर कदम पर सत्तर हज़ार नकी लिखी जाती तवाफ़ जैसा अमल नहीं किया कि मैं जाऊँगा रश बढ़ेगा लोगों तकलीफ को तकलीफ़ होगी सिर्फ़ बुद्ध को गए जहर की नमाज पढ़ी और हज का तरीक़ा बताया फिर जुमरात को आपने अपने काफ़िले को लेकर यह अब काफ़िला कोई एक लाख के करीब हो चुका था अब मीना तशरीफ़ ले गए मस्जिद खैफ़ वहाँ आपका ख़ैमा लगा वहाँ आपने पाँच नमाजें अदा फरमाई ये जुम्रात का दिन था और पाँच नमाज़ों के अलावा वहाँ कोई और अमल आपने नहीं फरमाया और जुमे की सुबह फिर आपने फजर के बाद ही अरफा की तरफ सफ़र शुरू फरमाया और जबरील ने आकर का या रसूल कह रहे हैं लब्बैक जोर से कहें ज़ोर से लब्बैक कहें तो आप, आप भी और सहाबा भी ज़ोर ज़ोर से लब्बैक कह रहे थे फिर वहाँ आपके लिए सुर्ख रंग का चमड़ा उसका खेमा लगाया गया था वहाँ जाते ही आपने बैठ गए आराम किया जवाल तक उसके बाद आपने उठ के गसल फरमाया फिर बिलाल से पूछा जवाल हो का वक्त हो गया का जी हो गया फिर आप तशरीफ़ लाए और आपने खुतबा दिया उसके जो बड़े बड़े उनवान हैं वो मैं दोहरा देता हूँ दस तारीख को खुतबा दिया ग्यारह को दिया नौ को दिया नौ दस ग्यारह तीन दिन आपने जो तकरीर फरमाई एक ही तकरीर है तीनों दिन एक ही तकरीर है थोड़ी कमी बेशी के साथ और हर तकरीर को आपने यहाँ से शुरू किया कि लोगों जैसे ये बेतुल्लाबिलहतराम है ये दिन काबिल एहतराम है ये महीना काबिल एहतराम है तुम्हारे जान तुम्हारे माल तुम्हारी इज़्ज़त एक दूसरे के लिए काबिल एहतराम है किसी की जान के दुश्मन न बनना किसी के माल के दुश्मन न बनना किसी की इज्जत और आवरों के दुश्मन न बनना हकूक इबाद पर ही ये सारा खुतबा मुश्तमिल है इबादात का इसमें कोई जिक्र नहीं आया है दूसरा अरशाद फरमाया कि आपस की लड़ाइयाँ मैंने बंद कर दी हैं और सबसे पहले मैं अपने खानदान की लड़ाई ख़त्म करता हूँ आपके ताया के पोते रबिया बिन अयास बिन हारिस बिन मुत्तलिब को हुजैल ने क़त्ल किया था फरमाया मैं ये ख़ून माफ़ करता हूँ आज के बाद तुम्हारी जाहिलियत की लड़ाइयाँ मेरे पैरों तले दफन होगी फिर फरमाया आज के बाद मैं सूत को ख़त्म करता हूँ ये मेरे पैरों तले दफन हो गया किसी ने नहीं देना किसी ने नहीं लेना तुम्हारे लिए तुम्हारा असल माल है सूत मैंने हराम कर दिया है और सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास का सूद ख़त्म करता हूँ अब्बास रज़ी लाना पूरा बैंक थे पूरा बैंक उनका सूद इतना था कि जैसे आजकल के बैंकों का सूद है इतना बड़ा सूद का निज़ाम था ये मैंने एक अरब से सुना है पढ़ा नहीं सुना है कि हज़रत अब्बास ने फरमाया कि मेरे भतीजे ने मेरा सूद ख़त्म किया है मैं असल भी ख़त्म करता हूँ इस पर अल्लाह ने उनके ख़ानदान को पाँच सौ चौबीस साल हुकूमत फरमाई एक सौ बत्तीस हिजरी से लेकर छः सौ छप्पन हिजरी तक हज़रत अब्बास की औलाद ने हुकूमत की यह कुर्बानी का सिला था जो उन्हें सूद के साथ असल को भी माफ़ कर दिया कहा मैं सूत ख़त्म करता हूँ उसके बाद आपने शाद फरमाया कि मैं औरतों के बारे में तुम्हें ख़ास तौर पर नसीहत करता हूँ वसीयत करता हूँ कि अल्लाह ने इनको कमज़ोर बनाया है इन पर ज्यादती ना करना इन पर जुल्म ना करना इन जलील ख़्वार करना एक बोल पर अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले कर देती हैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे दर पर गुजार देती हैं तो इनके साथ बुरा सलूक ना करना इनके साथ बदतमीज़ी ना करना इसको ख़ास तौर पर आपने इशात फरमाया फिर शाद फरमाया कि अमानत में कभी खानत ना करना अमानत में कभी ख्यात ना करना फिर इर्शाद फरमाया जो किसी की जमानत उठाएगा फिर उसे वो अदा करनी पड़ेगी सुखेरा साहब ने मेरी जमानत उठाई मैं वो काम नहीं कर सका तो अब सुखेरा साहब के ज़िम्मे हो गया उनको करना पड़ेगा वह व गारिम और किसी से कोई चीज़ मांग के लो तो उसे वापस करना ज़रूरी है उसे वापस करना ज़रूरी है अमानत में ख़यानत ना करना और अगर दुनिया को सामने रख कर चलोगे तो हमेशा तुम मुंतशिर रहोगे आख़रत को सामने रख कर चलोगे तो हमेशा खुशबाश रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी मुतमिन रहेगी पुरसकून रहेगी अपने नौकरों पर रहम करना ज्यादती ना करना जुल्म ना करना उन्हें वो खिलाना जो खाते हो उन्हें वो पहनाना जो पहनते हो अपने नौकरों को उस वक्त तो ग़ुला थे आज के लिए मैं नौकर का लफ आज इस्तेमाल कर रहा हूँ इनकी मारपीट ना करना अगर तुम्हारा काम सही नहीं करते तो उनको बेच देना बेचने की जगह मैं यूं कह देता हूं कि अगर तुम्हारा काम सही नहीं करते तो फारिग कर दो लेकिन गाली देना मारना पीटना शहरों का तो पता नहीं कि देहातों में तो हमारे जिम्मेदार माहौल में खाल उतार देते हैं जिम्मेदार जानवरों का सलूक करते हैं नौकरों के साथ और मां बहन की गालियां इस कदर गालियों के तूफान है तो मेरे नबी ने कहा यह जुल्म न करना एक मजदूरी पूरी नहीं देते ਇਕ ਉਪਰ ਸੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਮ ਬੈਠਦਾ ਡੇਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਮਰ ਲੋਹਾਰ ਥਾ ਰੋਣੇ ਲਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਈ ਆਈ ਕਿ ਬਰਾਜੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਬ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਬੈਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ उतना उसने दर्द से कहा कि मैं अब भी रो पड़ूं। इतने दर्द से उसने कहा तो जब अल्लाह किसी को पैसा देता है तो आम तौर पर मिजाज में फरोनियत आ जाती है बहुत थोड़े होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं और इसका ख़्याल करते हैं कि अल्लाह की अमानत है अल्लाह जब चाहे मुझसे वापस ले लें नक्सरीत ऐसे होते हैं कि वो बदतमीज़ हो जाते हैं डांट डपट गाली गलूच मार पीट बहुत बुरा सलूक करते हैं घरों में औरतें भी यही कुछ करती हैं और बाहर मर्द भी यही कुछ करते हैं तो मेरे नबी ने जाते हुए ख़ास तौर पर फरमाया कि देखो देखो बस सलूक ही ना करना अच्छा सलूक करना अच्छा सलूक करना जो खाओ इन्हें खिलाओ जो पहनो इन्हें पहनाओ फिर आपने फरमाया आखिरी जुमला देखो मेरे बाद एक दूसरे की गर्दनें न काटना और मुझे क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में रुसवा ना करना मेरे बाद काफिर ना हो जाना काफिर होने की ताबीर क्या फरमाई कि एक दूसरे के खून के प्यासे ना हो जाना मुझे अल्लाह की वारगाह में रसुवा न करना ये मोटो मोटे पॉइंट्स हैं और भी चीज़ें हैं वो तो मैं हज में बयान किया करता हूँ उसके बाद आपने जोहर असर किटी पड़ी और ऊँटनी को ले गए जबल रहमत बैतुल्ला की तरह मुँह किया और फिर दुआ के लिए हाथ उठाए आप भी हज पर तशीफ ले जा रहे हैं अल्लाह ते भी जाने की तोफ़ी दे दुआ मांगते हैं लेकिन मुझे नहीं याद कि कोई दुआ आधे पौने घंटे से लंबी मांगने की कोई हिम्मत हुई हो मेरे नबी ने जो हाथ उठाए हैं तो ये छः घंटे की दुआ मांगी आपने पाँच से छः घंटे अप्रैल का महीना धूप सर पर और ऊंटनी पर बैठे हुए बिना पीछे कोई टेक ए नो पर खेमा है ना कोई ड्रिंक्स आ रहे हैं ना कोई खाने आ रहे हैं तो सहाबा आपस में कहने लगे रोज़ा है आप खा ही नहीं रहे पी नहीं रहे तो हज़रत अब्बास की बेगम उम उमो फजल रज़ी ताली ने दूध का प्याला भेजा वो प्याला आपने पानी वो दूध का था वो आपने पी लिया तो पता चला कि नहीं आपका रोज़ा नहीं है वरना कुछ नहीं खाया सारा दिन उसी वकूफ़ में एक सहाबी ऊँट से गिरे और उनका इंतकाल हो गया तो आपने फरमाया कि इसको यहीं दफन कर दो इसके एहराम में ही और इसका सर ना ढाँको सर नंगाई रखो ये क्या गजन उठेगा तो लब्बे कहता हुआ उठेगा वो कौन थे मुझे किसी किताब में उनका नाम नहीं मिला महाराज सावा में कोई थे तो जो उनका वहाँ इंतकाल हुआ और वो सवा लाख मुकद्दस लोगों ने उनका जनाजा पढ़ा सवा लाख वो लोग जिन सेल्ला ने कहा अल्लाह वरदान हूँ मैं इनसे राज़ी हो गया ऐसे लोगों ने उनका जनाजा पढ़ा फिर आप मगरब सूरज डूबने के बाद आपने हज़रत उसामा को अपने पीछे बिठाया और वहाँ से निकले और आप रास्ते में आपने एक जगह इस्ता किया वज़ू किया दुण। फिर आप मुजल्फ़ा में आए अब नौ को शाम को निकलना है मुजल्फ़ा के लिए और वहाँ आपने पहले मगरब की नमाज़ पढ़ी फिर सामान रखवाया फिर ईशा पढ़ी फिर आपने वहाँ रात क्याम फरमाया और उस रात आपने तहजद नहीं पढ़ी तहजद नहीं पढ़ी ज़िंदगी भर आप नबियों में तो वैसे ही जिसमानी ताकत भी होती है और रूहानी ताकत की तो खैर इंतहाई कोई नहीं लेकिन आपने तजुद नहीं पड़ी जानबूझ के नहीं पड़ी कि मुज़दलफा में लोग थक के पहुँचते हैं तो आप सोए रहे ताकि कोई थका हुआ मेरा उम्मती सोता भी रहे तो उसको मेरी सुन्नत का अजर मिल जाए हिम्मत वाले पढ़ें मुबारकबाद है लेकिन कोई थका हुआ मेरे जैसा उठने की हिम्मत ना हो तो उसके लिए भी मेरा नबी क्या ख़ूबसूरत तरीक़ा छोड़ कर गए हैं कि आपने तो जानबूझ के नहीं पढ़ी बल्कि मैं बैठा था हरम में तो शेख आतिया सालिम बहुत बड़े आलिम थे अल्लाह उनको बख्शिश फरमाए मस्जिद नबवी में उनका बहुत बड़ा दरस सबसे बड़ा दरस उनका होता था तो मैं जब जाता था आ, तो उनके दरस में ज़रूर बैठता था मगरब ईशा एक दफ़ा वो इस बात पर गुफ्तु थे कि आपने उस की नमाज नहीं पढ़ी वितर पढ़े के नहीं पढ़े वितर कभी वितर भी नहीं छोड़े वितर पढ़े के नहीं पढ़े तो फरमा रहे थे देखो भाई मैंने तो बहुत कोशिश की मुझे किसी किताब में नहीं मिला कि आपने वितर पढ़े के नहीं पढ़े अगर किसी को मिल जाए तो मुझे आगे बताना मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा जो करना। उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा कि लगता है कि आपने बितर भी नहीं पढ़े उस रात और सो गए ताकि जो बेचारे थके हारे आते हैं अब तो वैसी रश और आठ आठ घंटे बाद लोग पहुंचते हैं और फिर लाइनें लगी होती हैं इसतंज खाने होते हैं बेचारे बस ऐसा ही मामला होता है एक हमारे दोस्त थे ज़िम्मेदार वो गए मुजदल्फ़ा पहुंचे, तो बेटी और बेगम साथ थी तो उनको बिठा कर गए कि मैं वज़ू करके आता हूँ सामने टॉयलेट्स थे और वो कहते मैं निशानियाँ लगा के गया यूँ निशानियाँ लगा कि भाई एथे बस खलोती इतने अथे अथे अ वो वजूदी जग अब जब उनको लग गया घंटा घंटे में सारा नक्शा बदल गया वहाँ सैकड़ों बसें आके खड़ी हो गई वापस आया था निशानियाँ सारियाँ गायब वो सारी रात तवाफ़ ही करते रह गए ना बीवी मिली ना बेटी मिली उन बेचारों को नफल पढ़ने के से याद आएंगी तो मेरे मैम कुरबान जाऊँ मेरे नबी अपनी उम्मत को कैसी सहूलतें देकर गए तो ही नहीं पड़ी हालांकि आपके लिए क्या मुश्किल थी सर रात पढ़ते रहते हैं। सो गए अजान पे उठे फिर नमाज के बाद आपने दुआ मांगी जिसको वकूफ़ मुज़दलफ़ा कहते हैं इशराक से पहले पहले फिर इशराक के बाद आप वहाँ से निकले और सीधे पहुँचे बड़े शैतान के पास ऊँटने से उतरे हज़रत तो ने ऊँटनी पकड़ ली हज बिलाल ने ऊपर ऐसे चादर करके साया कर दिया था सात कंकर मारे उसके बाद फिर आपने दस तारीख नौ तारीख वाली तकरीर दस तारीख को दोबारा ऊँटनी पे बैठ के आपने वो तकरीर फरमाई फिर उसके बाद आप उतरे और आपने तिरसठ ऊँट ज़बा फरमाए अपनी तरफ तिरसठ साल उम्र के थे तिरसठ ऊँट सौ ऊँट साथ थे तो सौ में से तिरसठ अलग किए त्रेसठ में से पाँच सामने खड़े किए उनमें से एक आगे लाकर उसको ज़बह किया तो सारी दुनिया ने अजब नज़ारा देखा ऊँटों में जंग शुरू हो गई हर ऊँट आगे बढ़ के ज़ब होने के लिए जोर लगा रहा था हर एक की तमन्ना तो थी कि मैं ज़ब हो, जम अल्लाह के नबी के हाथों जब तक आपने बर्छा नहीं फेंका ऊँटों में ये जंग जारी रही हम आहुआ ने सहरा सर खुद नहाद बरकफ उम्मीद आ के रोज़े ब शिकार खा न शवद नसीब दुश्मन के शबद हला के ते गरे दोस्त सलामतंजरा समारी जो लेख्याच नसी बाह मुहम्मद